हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा अलजेब्रा के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि अक्सर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इजिक्वल टू फोर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। आपका ऑप्शन है ए 16, बी 18, सी 14, डी 20। तो ऐसे प्रश्न जहाँ भी आप लोगों को आए तो इसको सिर्फ प्रश्न देखते ही आप लोग सॉल्व कर देंगे। लेकिन आप लोगों को प्रश्न बताने से पहले मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा। वो ट्रिक क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। वो ट्रिक है, अगर प्रश्न में आप लोगों को प्लस प्लस रहे तो क्या होगा, माइनस होगा। प्लस प्लस करने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अगर दोनों जगह प्लस हो तो उसका क्या करना होगा, माइनस। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा मैं बताऊँगा आगे। और अगर यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो तो क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस हो और माइनस हो क्या होगा, प्लस होगा। और अगर माइनस और प्लस हो तो क्या होगा, हमारा प्लस होगा। और अगर माइनस और माइनस हो तो भी क्या होगा, प्लस होगा। कहने का मतलब है कि अगर प्लस प्लस हो तो सिर्फ माइनस होगा, बाकी तीनों में क्या होगा, आपका प्लस होगा। ये आप कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान से समझ जाएंगे कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस रहेगा तो भी प्लस, प्लस माइनस रहेगा तो भी प्लस, और माइनस माइनस रहेगा तो भी प्लस ही होगा। ओके, ये जो ट्रिक है सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में आपका ये ट्रिक काम करता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या है, फोर है। तो ऐसे प्रश्न में, और यहाँ पे क्या है हमारा, स्क्वायर है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको क्या करना है, इस चार को कर देना है आपका स्क्वायर, चारों करना है स्क्वायर। तो चार का हो जाएगा स्क्वायर कितना होगा, 16। चार का स्क्वायर कितना होगा, 16। ओके, अब मैंने बताया था आप लोगों को कि प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, हमारा माइनस होगा, प्लस प्लस रहेगा तो माइनस होगा। अब आपको सिंपल क्या करना है, इस 16 में माइनस का पहले चिन्ह करना है यहाँ पे। अब माइनस क्या करना है, तो जो पावर में यहाँ पे, पावर में क्या है, दो है। ये सिर्फ स्क्वायर के लिए ट्रिक है, ये पावर में क्या है, दो है। तो सिंपल आपको दो कर देना है माइनस, क्या होगा हमारा, 14। 14 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि x प्लस वन बाई एक्स इजिक्वल टू थ्री है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या होगा। सेम सवाल है पिछले की तरह। सेम क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ भी इसको तीन को क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। तीन को क्या करना है, स्क्वायर। तो तीन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमारा 9 मिलेगा। तीन का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। और यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो क्या करना, हमको माइनस करना है। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो क्या करना है, यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा। और माइनस क्या होगा, ये जो स्क्वायर क्या है, दो है, दो को सिंपल कर देना है माइनस। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 7। ऑप्शन ये हमारा सही हुआ। ठीक है, अब चलते हम लोग अगले प्रश्न में। अगर प्लस और माइनस रहेगा तो कैसे बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स इजिक्वल टू फाइव है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। आपका ऑप्शन है ए 25, बी 23, सी 30, डी 20। तो मैंने बताया था कि अगर प्लस और माइनस हो तो क्या होगा, हमारा प्लस का चिन्ह होगा। क्या होगा, प्लस माइनस रहेगा तो प्लस का। आप लोग को ध्यान क्या देना है, अगर प्लस प्लस रहेगा तो माइनस, बाकी सब में क्या होगा, प्लस होगा। ओके, तो ट्रिक वही रहेगा, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो आप सिंपल फाइव का करेंगे क्या, स्क्वायर। फाइव का स्क्वायर कितना होगा, 25। और चिन्ह का क्या चीज़ का होगा, तो चिन्ह होगा हमारा प्लस का, चिन्ह होगा हमारा प्लस का। ओके, और यहाँ पे जोड़ेंगे क्या हम लोग, स्क्वायर, मानी दो जोड़ देंगे, कितना होगा, 27। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा,
सही होगा 27 आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गया प्लस और माइनस का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कि अगर दोनों में माइनस होगा तब कैसे बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, आप इसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। चलिए x माइनस 1/x बराबर क्या है, 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, प्रोसेस आपका सेम रहेगा। क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप सिंपल 2 का करेंगे स्क्वायर, कितना होगा 4 होगा। मैंने बताया था कि अगर माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा हमारा, प्लस होगा। तो यहाँ पे आप सिंपल प्लस का चिन्ह डालेंगे और प्लस क्या करेंगे, इस 2 को उठा करके यहाँ पे जोड़ देंगे, ऑप्शन क्या होगा 6 होगा, ऑप्शन ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये तो हो गया हम लोग का स्क्वायर का ट्रिक। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछ दें कि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर का ये ट्रिक था, अब बताएंगे हम लोग x क्यूब का फॉर्म रहेगा तो सवाल को कैसे बनाएंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, प्रोसेस आपका सेम रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा, पहले यहाँ पे क्या है क्यू है, स्क्वायर था तो स्क्वायर करते थे, क्यू है तो क्यू करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा, तो इसमें क्या होगा 2 का करेंगे आप क्यू, 2 का होगा क्यू, कितना होगा 8 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज किया है, जो प्लस प्लस जो है, अगर पिछले वीडियो मैंने बताया था कि प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा माइनस रहेगा, चिन्ह आपका वहीं रहेगा, लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे स्क्वायर में कि माइनस का 2 करते थे, क्या करते थे 2, लेकिन यहाँ माइनस का आप सोचेंगे कि 3 करेंगे, बिल्कुल नहीं, अब यहाँ पे क्या होगा माइनस का इस 3 को इस 2 के साथ क्या करना है गुणा, इस 3 को इस 2 के साथ गुणा कर करके इसमें से करना है आपको माइनस, पहले क्या करना है 2 का क्यूब कर दिए हम, कितना हो गया 8, अब क्या करेंगे 2 गुने 3 करेंगे, 3 गुना 2 बोलिए फिर 2 गुना 3 कीजिए, आपस में कर दीजिए गुना, कितना होगा 6, अब कर दीजिए माइनस, कितना होगा 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा आंसर होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर q रहेगा तो सिंपल आपको इसका क्या करना है q करना है, और माइनस क्या करना है आपको इस 3 को इस वाले संख्या से गुणा करके माइनस कर देना है, अगर माइनस होता है तो, अगर प्लस होता है तो प्लस करेंगे। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से होगा। एक और सवाल इस पे देख लेते हैं हम लोग कैसे। चलिए अगला प्रश्न है, यदि x माइनस 1/x बराबर 5 है तो एक्स क्यू माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा, चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे q है तो क्या करेंगे 5 का कर देंगे हम q, तो 5 का करेंगे q क्या होगा 125 होगा, 5 का q क्या होता है 125। अब चलेंगे चिन्ह में, यहाँ पे क्या है माइनस है और यहाँ भी क्या है माइनस है, तो जहाँ पे मैंने बोला था कि माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा हमारा प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा। अब क्यू है यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था कि इस 3 को इस वाले संख्या से कर देना है गुना, 3 × 5 हो जाए किसका 15, और जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा 140 हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और बताने वाला हूँ, ठीक है, कि अगर यहाँ पे पावर 4 कर देंगे तो क्या होगा। एक और आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे। चलिए प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x⁴ प्लस 1x⁴ का वैल्यू क्या होगा। ऐसे प्रश्न में आएगा तो थोड़ा सा चेंज करना, वो क्या होगा यहाँ पे क्या है पावर का 4 है, तो आप 4 को यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने में 2, तो बोलिएगा यस सर,
यहाँ पे क्या है, चार है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चार हो क्या बराबर में दो गुने में दो, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। प्रोसेस क्या होगा, स्क्वायर वाला प्रोसेस होगा सेम। एक बार आप क्या कीजिएंगे, इस दो वाले दो को लेंगे, फिर इस वाले दो को लेंगे, बारी बारी से दोनों वाले दो को लेंगे, ठीक है। तो पहले वाला प्रोसेस क्या कहता है कि यहाँ पे क्या है, तीन है, तो हम लोग तीन का करेंगे क्या, स्क्वायर। तीन का करेंगे, इस वाले पहले इस वाले दो को लेंगे, फिर इस वाले दो को लेंगे, पहले इस वाले दो को लेते हैं, तीन का हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, तीन का स्क्वायर होता है नाइन, प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या होगा चिन्ह हमारा माइनस का। तो माइनस का क्या होगा हमारा, ये दो लिए थे दो करेंगे, कितना हो जाएगा सात। अब जो सात आया, अब जो सात आया, फिर इस वाले दो को लेंगे हम, इस वाले दो को लेंगे, तो फिर क्या करेंगे, सात का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा उनचास होगा। फिर दोनों जगह प्लस था, तो फिर क्या होगा माइनस होगा, माइनस में इस वाले दो को लेंगे, तो क्या होगा हमारा दो, अब घटा देंगे कितना होगा 47। ये हमारा हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से आप लोग समझ लेंगे कि आप इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, पावर को क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बारी बारी से दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, एक बार इस वाले दो को लेंगे, फिर एक बार इस वाले दो को लेंगे सॉल्व करने के बाद, ठीक है। प्लस और माइनस का चिन्ह जो होगा हम लोग का, उस वो डिपेंड करेगा कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, वो इस चिन्ह से डिपेंड करेगा हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने जितने भी प्रश्न कराए हैं ये सारे के सारे प्रश्न जो थे अलजेब्रा से थे, और आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।